प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट के बीच पौड़ी में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। पौड़ी लैंसडाउन तहसील के अंतर्गत समखाल में भारी बारिश के चलते टेंट में रह रहे कुछ मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 10:30 पर भारी बारिश के चलते मलबा आने से 5 लोग दब गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाकर मलबे से 3 लोगों के शव को बरामद किया। वहीं 2 अन्य लोगों को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से फोन पर बातचीत कर हालात का जायजा लिया। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रहा है और पौड़ी लैंसडाउन इन क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो रही है। लगभग 40 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर का बारिश इन 2 तहसील क्षेत्र में हुआ है। अन्य तहसील में भी वर्षा हो रही है, हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही है। पूरे जनपद में जो एवरेज वर्षा हुआ है वो 30 मिलीमीटर का लगभग हुआ है। अभी वर्षा कई जगहों पर चल रहा है। एक दुखद घटना भी हुआ है, लैंसडाउन क्षेत्र में समखाल जो नाम जगह है वहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा था, उसके अंदर 5 मजदूर अपना टेंट लगाकर वहाँ पे रुके हुए थे। उसमें से 3 महिलाओं का मृत्यु हो गया और 2 जो घायल हो गए थे उनको मलबे से निकाल लिया गया है और उनको फिर आगे अस्पताल के लिए मूव कर लिया है। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारी बारिश के चलते जिले में 5 मोटर मार्ग बाधित हो गए थे, जिसमें मुख्य रूप से नेशनल हाईवे श्रीनगर चमधार में बाधित हो गया है, जिसे खोलने में प्रशासन लगा हुआ है। इसके अलावा जिलाधिकारी भी आपदा कंट्रोल रूम से पल पल की खबर रख रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से आपदा की स्थिति में तत्काल कंट्रोल रूम में फोन करने की अपील की है। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।